खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है और चंडीगढ़ में दरअसल एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में आज एयरफोर्स डे मनाया जाएगा। सुखना लेक पर वायुसेना की फ्लाईपास्ट आपको बता दें होगा। राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है, बड़ी जानकारी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर वायुसेना का 90वां दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फ्लाई पास्ट भी सुखना लेक पर आज यहां पर किया जाएगा। शूरवीरों का शौर्य पराक्रम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। भारतीय वायुसेना की ताकत का ये तस्वीरें चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 90वां स्थापना दिवस के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शक्ति प्रदर्शन वायुसेना का एक तरह से कहा जाए, किस तरह से अलग अलग युद्ध में, लड़ाइयों में वायुसेना ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है और भूमिकाओं के जरिए भारत ने कई युद्ध में जीत भी हासिल की। और इस मौके पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिल्ली से बाहर दरअसल चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भव्य परेड के बाद मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहेंगे आज फ्लाई पास्ट के दौरान वो भी बता रहे हैं। लड़ाकू विमानों की संख्या 50, हेलीकॉप्टर 24 हैं जो इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, वो भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं विंटेज विमान, जिनकी संख्या 2। इसके साथ ही साथ आपको बता दें लड़ाकू विमानों की संख्या 50 होगी। कहा जाए जब ये फ्लाई पास्ट शुरू होगा उस वक्त जो नजारा होगा वो देखने वाला होगा। पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत का दबदबा विश्व मानचित्र पर लगातार बढ़ता जा रहा है, भारतीय सैनिकों की शक्ति का प्रदर्शन जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उस नजरिए से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। Now the team leader, AC Navdeep Singh, will be taking permission from Chief of the Air Staff to commence the drill. परिवहन की यांत्रिक संक्रिया आरंभ करने की आज्ञा दी। तमाम प्रदर्शन और ये जो तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट स्टेशन की है, और इससे अगला जो कार्यक्रम है, not a river wide enough to keep an air warrior from accomplishing the task ahead of him. When faced with an obstruction, instead of stopping in their tracks, the team takes a split-second decision. Their actions will speak volumes of their resolve towards successful completion of the task entrusted to them, their nerves of steel in a high-pressure situation, and the quality training they undergo. Now, the multi-gypsy in front of you will be dismantled up to chassis level and assembled back to running condition in a cohesive and a sequential manner.
The vehicle weighs 1.2 tons. The half-ton engine block, which is otherwise lifted using a pulley and chain system in a workshop, is lifted manually by our fit soldiers, carried over rough terrain, and put in place without affecting serviceability. If the boulder cannot be moved, the vehicle will. Watch closely as the team, unmoved by hindrance blocking their path, proceeds to take apart their transport, carry it literally piece by piece, assemble it, and continue towards their objective. The drill shall also display the quick and crisp movement of the trainees and their ability to perform accurately within the constraint of time. The speciality of this drill is that the entire activity is performed by a group of young air warriors who have just passed out of their कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से जवान अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए, दरअसल जिप्सी को यहां पर खोला गया और अब एक बार फिर उस जिप्सी को तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य को भेदने के लिए किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, उन सभी चीजों से निपटने के लिए जवान तैयार रहते हैं।